गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. टिल डेट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, वेरियस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर्स. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नोटेशंस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट zero we will use as the index suffix for base year and one for the current year, or we can use i as for the given year or current year. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि इंडेक्स नंबर्स हम यूज़ करते हैं टू ईयर्स की कमोडिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, चाहे वो प्राइस की बात हो चाहे वो क्वांटिटी की बात हो. ठीक है, आप प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी भी कर सकते हैं, किस प्राइस से कितनी क्वांटिटी ली गई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम वैल्यू इंडेक्स नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया P not I. इस नोटेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर मैं कहती हूँ I की जगह पे मैं ले रही हूँ 0 और 2, तो मीन्स मैं 0 एक को बेस ले रही हूँ, I को मैं करंट ले रही हूँ. अगर मैं कहती हूँ मुझे 1995 के डाटा को 2005 के डाटा से कंपेयर करना है, सो दिस विल बी माय बेस ईयर एंड दिस इज द करंट ईयर, एंड दिस zero will be, this zero will be used for 1995, I will be used for the 2005. Okay, so price index number को calculate करने के लिए हमें 2 years का data चाहिए होता है. अब तक जो हमने सीखा वो ये देखा कि इसमें हम base year को fixed रखते हैं. मैंने 1995 के साथ 2005 को कंपेयर किया, लेकिन बाद में हमें ये बात आई कि अगर मैं इतनी दूर का डाटा ले रही हूँ, हो सकता है मैं 2000 के साथ 2020 को कंपेयर करना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? 20 साल के में तो कितना चेंज आ गया. अगर हम मोबाइल की ही बात करें, 2000 में तो मोबाइल्स यूज़ ही नहीं होते थे और 2020 में सब काम ही मोबाइल पर होता है ना, तो हम ऐसा कर नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है कि क्या हम दो एडजेसेंट ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं. मींस डेटा में कम से कम पूरी 100% होमोजेनिटी हो या ना हो, बट दे शुड बी एज होमोजेनियस एज पॉसिबल. ओके, सो इसके लिए हमारे पास आया चेन बेस मेथड. चेन बेस मेथड में क्या होता है कि हम दो एडजेसेंट पीरियड्स को कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट दो टू एडजेसेंट पीरियड्स को कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट, और हम फाइनल जो हमारे पास जिस ईयर तक हमने जाना है वहाँ तक की सीरीज को कंपेयर करें, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो जिस मेथड से आएगा उसे चेन बेस इंडेक्स मेथड कहते हैं. मींस इट विल बी ए सीरीज. लाइक मैं 1995 को पहले कंपेयर करूंगी 1996 से, देन 1996 को कंपेयर करूंगी 1997 से, 1997 को कंपेयर करूंगी 1998 से, 1998 को कंपेयर करूंगी 1999 से, देन 1999 को 2000 से, देन 2001 से, देन 2002 से, देन 2003 से, 2004 से, इस तरह से. तो क्या इसका मेथड क्या है, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द चेन बेस मेथड, चेन इंडिसेस. सो दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस जो मैंने आपको अभी बताया, चेन बेस मेथड और चेन इंडेक्स नंबर. चेन बेस मेथड, ठीक है, चेन बेस मेथड में हमें यही करना है कि पहले प्रोसीडिंग ईयर जो हमारे पास पहला है उसको सक्सीडिंग के साथ, देन नेक्स्ट टू, देन नेक्स्ट टू, देन नेक्स्ट टू. लाइक मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊं, पी नॉट वन बेस ईयर, जीरो इज द बेस ईयर, वन इज द नेक्स्ट ईयर, देन अगला मेरा क्या होगा, वन टू, फिर ये वन क्या बन जाएगा, बेस ईयर, नेक्स्ट टू क्या बन जाएगा, करंट ईयर, देन मेरे पास आएगा पी टू थ्री, देन क्या आएगा पी थ्री फोर, देन क्या आएगा पी फोर फाइव, लाइक दिस. सो इफ आई डिनोट पी आर एस, सो पी आर एस इज द प्राइस इंडेक्स, मीन्स आर विल बी पी आर एस, आर विल बी माई बेस ईयर एंड एस विल बी माई द सक्सीडिंग ईयर. ठीक है, सो दिस वे आई कैन कैलकुलेट द प्राइसेस. देन वट विल बी द मेथड टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर यूजिंग दिस,
chain based method. So let's have a this method form. इसके लिए सबसे पहले हम नोट करेंगे P नॉट वन. दिस विल बी अवर फर्स्ट लिंक, जिसे हम जर्नली 100 लेंगे फर्स्ट लिंक को, और अगर हमें गिवन डेटा है तो हम वो ले लेंगे. पी नॉट टू, पी नॉट टू क्या होगा फिर आपके पास? पी नॉट टू विल बी आपका जो पहला है पी नॉट, जो आपने पहले लिया पी नॉट वन मल्टीप्लाई बाय पी वन टू. ठीक है ना, वन विल बी बिकम योर बेस ईयर एंड द नेक्स्ट विल बी योर सक्सेडिंग ईयर. देन नेक्स्ट विल बी योर पी नॉट थ्री. चल रहा हमारा ये सीरीज है, पर कैसे कैलकुलेट करनी है? अब पी नॉट थ्री क्या होगा? पी नॉट वन मल्टीप्लाई बाय पी वन टू मल्टीप्लाई बाय पी टू थ्री. दिस अगेन विल बिकम एज द पी नॉट वन एंड पी वन टू विल बी अवर पी नॉट टू. सो दिस इज पी नॉट टू मल्टीप्लाई बाय पी नॉट टू थ्री. सो दिस इज अवर पी नॉट थ्री. Like this, if we will calculate like this, we can have P naught. Any k के लिए आप calculate कर सकते हो P naught to multiply. तो k के लिए अगर मैं इसे calculate करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा फिर? आप देखो P naught to तक मैंने आपको बताया, तो ये मेरा क्या बन रहा है फिर? आप इसको लिख सकते हो ना P naught k minus one, P naught k, P naught k के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो आपके पास क्या आएगा? P naught k माइनस वन मल्टीप्लाई बाय पी के माइनस वन इंटू के. ये जर्नल फार्मूला आ जाएगा. ओके, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द गिवन डेटा यूजिंग चेन बेस्ड मेथड. अब हम अगर इसको गिवन डेटा को यूज करें तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उसके लिए मेरे पास देयर आर वेरियस स्टेप्स टू कैलकुलेट दिस. फर्स्ट इज we have to calculate the link relatives, कि उसका link उसके साथ क्या है. Then chain index number, दोनों को multiply करके अगर 100 से divide कर देंगे तो मेरे पास chain index आ जाएगा. So how I can calculate the chain index? Chain index will be your current year का link relative, जो आपका current year है, current year link relative मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर सीआई यानी के चेन बेस डिवाइड बाय 100. करंट ईयर के लिंक रिलेटिव को प्रीसीडिंग ईयर के सीआई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो यू विल गेट द चेन इंडेक्स. ओके, लेट्स हैव अ problem for which we have to calculate the chain indices for the given data. Okay, I am giving you an example. You will better know how to calculate this using this formula. Okay, अब देखो कैसे करना है इसको. मेरे को जो है data दिया हुआ है. Data क्या है? मेरे पास year given है. Year है 1995, 1996, 1997, 1998 up to 2005. ठीक है, उसका मेरे पास इंडेक्स नंबर भी है. 1995 का इंडेक्स नंबर है मेरे पास 100, देन 1996 का है 120, देन 1997 का है 122, देन 116, 1998 का 116, देन 120, आप नोट डाउन कर सकते हो, देन 120, देन अगेन 120, मैं आगे आगे ईयर्स के डाटा आपको बोल रही हूँ, 137 नेक्स्ट के लिए है, मीन्स 137 2001 के लिए है, 2002 के लिए 136, देन 149, देन आपके पास है 156 एंड अगेन इट इज 137, मीन्स लास्ट 137 इज फॉर 2005. अगर ये डाटा मेरे को गिवन है तो मुझे कैलकुलेट करनी है चेन इंडिसेस. कैसे कैलकुलेट करूँगी? आप एक टेबल बनाओगे, जिस टेबल में आप अपना ये पूरा डाटा लिखोगे. कैसे डाटा लिखोगे? पहले लिखोगे ईयर, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया 1995, 1996, 1997, पूरा 2005 तक के डाटा लिख लोगे. तो और आपको क्या दिया होगा? इंडेक्स नंबर, उनके इंडेक्स नंबर भी आप जो है निकाल लोगे, 100, देन 120, देन 120, देन आपके पास कितना है? 122, 116, देन 120 है,
फिर 120 है, ठीक है, लाइक दिस, जितना मैंने आपको बताया है. अब हमारा जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि चेन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय द प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100. तो पहले हमें लिंक रिलेटिव निकालना है. अब इसका लिंक रिलेटिव तो 100 ही है, ठीक है. इसका लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, वो जो इंडेक्स नंबर है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, वो जो इंडेक्स है उसका डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100. ये जो है 116, इसके डिवाइड करेंगे 122 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन. दिस वे यू कैन फाइंड आउट द लिंक रिलेटिव्स. जब लिंक रिलेटिव्स आ गए तो अब चेन इंडेक्स नंबर निकालना आसान है. चेन इंडेक्स कैसे मैंने बताया था, चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, अब चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो अब जो स्टार्टिंग इसका स्टार्ट तो 100 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं हम कर सकते. फर्स्ट लिंक इज द फर्स्ट इंडेक्स नंबर इज द फर्स्ट लिंक. सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव. 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 120 करंट ईयर का, मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर का, पहले वाले का प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100. सिमिलरली अगर इसका निकालूंगी, पहले इसका लिंक रिलेटिव 122 को अगर मैं 120 से डिवाइड करती हूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ तो वो कितना आता है, 101.7, ये आएगा 95.1. अब करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है 101.7 मल्टीप्लाई बाय इसका प्रीसीडिंग ईयर का जो हमने निकाला है वो, उससे मल्टीप्लाई करके, तो प्रीसीडिंग ईयर का क्या है मेरा 120, इससे पहले वाले का 120 मल्टीप्लाई बाय 100. सिमिलरली 95.1 करंट ईयर का, 95.1 को हम कर रहे हैं 122 डिवाइड बाय 100. दिस वे यू कैन कैलकुलेट द चेन इंडेक्स. सो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, इसमें आएगा, दिस इज द चेन इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डेटा. ओके, सो टुडेज लेक्चर वॉज अबाउट द चेन बेस इंडेक्स नंबर्स, जिसमें हमने देखा कि अगर हम फिक्स्ड जो बेस ईयर है उसको फिक्स्ड ना लेके हम जो है होमोजीनियस सीरीज में लें, मतलब होमोजीनियस ईयर्स का डाटा लें, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सीरीज ईयर्स के साथ कंपेयर करें, तो जो वो सीरीज बनेगी वो हमें क्या देगी, चेन बेस इंडेक्स नंबर्स, चेन इंडिसेस. ओके, थैंक यू सो मच.